नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे कैनन का एक कलर इंक टैंक प्रिंटर। तो दोस्तों, ये है कैनन का पिक्समा G3012 इंक टैंक प्रिंटर। और दोस्तों देखिए, आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन देखने को मिल जाता है इस प्रिंटर में। एंड दोस्तों, ये ऑल इन वन प्रिंटर है, तो आप इसमें प्रिंट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। एंड दोस्तों, इसमें आपको वाईफाई वाला फीचर भी मिल जाता है, तो आप इसे वाईफाई के थ्रू अपने लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप के साथ, या फिर अपने स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको 18,700 के आसपास प्राइसिंग दे रखी बॉक्स में। बट ये दोस्तों नॉर्मली आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ऑफलाइन में आप लोगे तो ये आपको 15,000 के आसपास मिल जाएगा। बट ये दोस्तों हमने प्रिंटर परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, एंड स्पेशल ऑफर में दोस्तों ये हमें मिल गया था 12,600 के आसपास। SBI का क्रेडिट कार्ड मैंने यूज़ किया था एंड मुझे उस पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको एज वो छः साइड से बॉक्स देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों, ये जो प्रिंटर है, ये कंपैटिबल है विंडोज़ के साथ, iOS के साथ एंड एंड्रॉयड के साथ। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैप ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप मैकबुक यूज़ करते हो, मैप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, तो आप इस प्रिंटर को यूज़ नहीं कर पाओगे। बट बाकी ये तीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके साथ आप इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, निकालते हैं प्रिंटर को बाहर। तो देखिए दोस्तों, ऐसी भी बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ऐसी कुछ पावर केबल मिल जाती है प्रिंटर के साथ। एंड यहाँ पे दोस्तों, आपको एक USB केबल मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे इनकी बॉटल्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, आपको 3 ब्लैक वाली बॉटल्स मिल जाती है, ब्लैक इंक की। एंड यहाँ पे आपको 3 कलर्स वाली बॉटल मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों, आपको इंक के लिए एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों, आपको देखिए 2 कार्ट्रेजेस मिल जाती है, एक ब्लैक कार्ट्रेज है एंड एक कलर कार्ट्रेज आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक ड्राइवर्स की CD भी देखने को मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ प्रिंटर आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आपको इस प्रिंटर का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा क्लोजअप से। तो देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ से अगर आप देखते हो तो देखिए, ऐसा कुछ आपको प्रिंटर देखने को मिल जाता है। पूरा प्रिंटर दोस्तों आपको ब्लैक कलर में मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए इनपुट ट्रे में जाते हैं, तो जो आपने पेपर इनपुट में डालने हैं वो यहाँ पे देखिए स्ट्रीम में डाल सकते हो। एंड अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए, यहाँ पे आपको पिक्समा का लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों, आपको 2 QR कोड्स दे रखे हैं। तो अपने प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो आप ये वाला जो QR कोड है वो स्कैन कर सकते हो। एंड अगर दोस्तों आपको सर्विस सपोर्ट चाहिए, तो आप ये वाला सेकंड वाला QR कोड स्कैन करके सर्विस सपोर्ट ले सकते हो। एंड अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको स्कैनर मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों, आप A4 साइज तक का फुल जो पेपर है वो यहाँ पे रख के स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्कैनर मिल जाता है। तो इसे क्लोज कर देते हैं अभी हम। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको इस प्रिंटर का देखिए कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ कंट्रोल पैनल है। एंड यहाँ पे देखोगे आप तो देखिए G3012 यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको एक LED लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पावर बटन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे 3 बटन दे रखे हैं। तो पहला बटन नेटवर्क वाला है, सेकंड बटन यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रबल शूटिंग के लिए बटन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए, आपको एक सेटिंग वाला बटन देखने को मिल जाता है। इसके नीचे यहाँ पे एक LED लाइट आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस प्रिंटर का। एंड इसके नीचे एक प्लस वाला बटन दे रखा है। एंड इसके नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप वाला बटन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक एंड कलर वाले 2 बटन मिल जाते हैं डिफरेंट। तो यहाँ से आप ब्लैक कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ पे आप कलर कॉपी कर सकते हो। एंड दोस्तों, सामने की तरफ से अगर आप देखते हो तो देखिए, ऐसा कुछ प्रिंटर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कैनन लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको आउटपुट ट्रे मिल जाती है। तो जब प्रिंट आउट आएगा तो वो यहाँ पे देखिए, आपको ऐसी कुछ ट्रे मिल जाती है प्रिंट आउट के लिए। एंड यहाँ पे देखिए, आपको इंक टैंक मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कलर वाले 3 आपको इंक टैंक मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक इंक के लिए एक इंक टैंक मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस साइड अगर आप देखते हो तो देखिए, इस साइड से आपको प्रिंटर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भी आपको देखिए कलर इंक जो है वो कितनी है उसका आपको लेवल दिख जाता है। एंड इस साइड से देखिए प्रिंटर आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ प्रिंटर आपको बैक साइड से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको USB केबल कनेक्ट करने के लिए USB स्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस साइड से प्रिंटर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर दोस्तों, पावर केबल लगाने के लिए यहाँ पे आपको स्लॉट मिल जाता है। तो यहाँ पे अपने पावर केबल लगानी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, आपको ब्लैक कलर का जो इंक टैंक है वो इस साइड से भी आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रिंटर को सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों, आपने पकड़ के इस प्रिंटर को देखिए ऐसे ओपन कर लेना। एंड अभी आपने ये वाली जो टेप है इसे निकाल देना, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, अब हमने जो कार्ट्रेजेज हैं ये इंस्टॉल करनी है प्रिंटर में। तो हमारे पास यहाँ पे दो कार्ट्रेजेज हैं जो कि आपको प्रिंटर के साथ मिल जाती है। ये दोस्तों ब्लैक कार्ट्रेज है एंड ये कलर कार्ट्रेज है, दोनों के ऊपर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे आपने इनको ओपन कर लेना है पहले। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लैक कार्ट्रेज है एंड यहाँ पे देखिए ऊपर ब्लैक लिखा भी हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने ये स्टिकर हटा देना है यहाँ से एंड यहाँ पे आपने ये वाला जो स्टिकर है इसे भी हटा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपने इसको ऐसे ओपन कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी यानी कि कलर कार्ट्रेज एंड यहाँ पे लिखा ब्लैक यानी कि ब्लैक कार्ट्रेज। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारे पास एक कार्ट्रेज है, देखिए ब्लैक कार्ट्रेज है जो अभी हमने ओपन करी थी। तो आपने कभी भी देखिए यहाँ पर टच नहीं करना है एंड यहाँ की तरफ भी आपने कभी भी हाथ नहीं लगाना है। तो आपने देखिए केयरफुली यहाँ पे इस कार्ट्रेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। देखिए ब्लैक कार्ट्रेज, ब्लैक की जगह आपने लगा देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने ये जो कलर वाली कार्ट्रेज है इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपने देखिए जो स्टिकर है ये हटा देना है। यानी आगे तरफ से भी आपने देखिए स्टिकर हटा देना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपने देखिए कलर कार्ट्रेज को बहुत ही केयरफुली ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है एंड यहाँ पे दोस्तों अब आपने इसे ऐसे क्लोज कर देना है, ऐसे क्लिक की आवाज़ आएगी। एंड दोस्तों अब आपने दोनों जो बटन है इनको प्रेस कर देना है ऐसे। तो देखिए अभी जो हमारी कार्ट्रेजेस है देखिए वो इंस्टॉल हो चुकी है। एंड दोस्तों अब हमने क्या करना है, आपने पहले इस प्रिंटर को क्लोज करना है। एंड दोस्तों अब आपने जो पावर केबल है ये कनेक्ट कर देनी है इस प्रिंटर के साथ एंड आपने इसको पावर ऑन कर देना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपने बटन प्रेस करना है वो प्रिंटर ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए पावर एलईडी आ चुकी है, हमारे प्रिंटर फोन है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की पावर एलईडी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप डिस्प्ले में देखोगे तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको जीरो लिखा हुआ दिखेगा एंड यहाँ पे देखिए ड्रॉप वाला आइकन दिखेगा। इसका मतलब दोस्तों अभी हमने इस प्रिंटर में जो इंक है वो डालनी है, प्रिंटर इंक डालने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इस प्रिंटर में इंक डाल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस प्रिंटर को ऐसे ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे दोस्तों पहले हम ब्लैक इंक डालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपने देखिए इसे ओपन करना है एंड यहाँ से आपने देखिए जो लिड है इसे निकाल देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास ब्लैक इंक की बॉटल है, तो चलिए इसे डाल देते हैं हम। तो देखिए दोस्तों आपने ऐसे ब्लैक इंक वाले टैंक में ब्लैक इंक को डाल देना है और बहुत ही केयरफुली आपने इंक डालनी है, ये कहीं भी प्रिंटर में ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों अभी आप देखोगे तो देखिए इंक पूरी यहाँ तक फिल हो चुकी है। तो अभी हमने इसको देखिए यहाँ से क्लोज कर देना है, इसकी जो डिटेल हमने लगा देनी है ये देखिए। एंड सेम वे से दोस्तों अभी हमने यहाँ पे कलर इंक भी फिल कर देनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ये लिड ओपन करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले वाले स्लॉट को आपने ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे देखिए सी लिखा है इनकी सियान, तो आपने ये वाली इंक यूज़ करनी है, ये है सियान। तो ये आपने इस वाले इंक टैंक में डाल देनी है। तो चलिए इसे डाल देते हैं हम। तो देखिए दोस्तों अभी सियान इंक जो है वो हमने डाल दी है और ये देखिए इंक टैंक पूरा ऊपर तक भर गया है। तो इसके लिए आपने क्लोज कर देनी है। एंड दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट जो कलर है, देखिए मैजेंटा कलर है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों मैजेंटा कलर, ये देखिए यहाँ पे भी एम लिखा है। तो इसको आपने ओपन करना है इस लिड को सेकंड वाले को। तो देखिए दोस्तों अभी हमने मैजेंटा जो इंक थी वो भी डाल दी है, देखिए टैंक पूरी तरह से फिल हो चुका है, देखिए पूरा ऊपर तक आ चुका है। तो ये लीड आपने अभी क्लोज कर देनी है। एंड दोस्तों अभी लास्ट वाला स्लॉट बचा है इंक टैंक जो यहाँ पे देखिए येलो लिखा हुआ है। तो अभी हमने येलो पर देखिए स्लिप को ओपन करना है एंड ये दोस्तों देखिए येलो जो इंक है वो हमने इस वाले टैंक में डाला है। तो देखिए दोस्तों अभी हमने जो येलो इंक है ये भी डाल दी है प्रिंटर में और देखिए इंक टैंक पूरा ऊपर तक फिल हो चुका है। अभी हमने इसको क्लोज कर देना है। तो सारी लिड्स अभी आपने एक बार चेक कर लेनी है, अच्छे तरह से क्लोज होनी चाहिए। तो हम देखिए इसे क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अभी आपने इस प्रिंटर को क्लोज कर देना है। एंड दोस्तों इंक रिफिल करने के बाद आपने दोस्तों ये ब्लैक वाला बटन दबाना है। तो दोस्तों ब्लैक बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों जो इंक है वो पाइप के थ्रू होते हुए कार्ट्रेजेस में जाती है और जो प्रिंटर की जो प्रोसेसिंग है इंक वाली फ्लो वाली वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस में दोस्तों टाइम लगता है, कई बार 5 मिनट 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में, इंक को फ्लो होते होते कार्ट्रेजेस तक पहुँचने में। तो इस बीच दोस्तों जो प्रिंटर है वो प्रिवेन होता है, तो प्रिंटर में ऐसे काफ़ी सारी प्रोसेसिंग की आवाज़ें आपको आएगी, जो अंदर की कार्ट्रेजेस है वो मूव करती है
पार्ट्स मूव करते हैं, तो 5 से 10 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस बीच आप प्रिंटर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप कुछ मत कीजिए। एंड दोस्तों, प्रिपेयर होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले में आपको 1 डिजिट देखने को मिलेगा। इसका मतलब प्रिंटर जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है, इंक जो है वो कार्ट्रिजेस तक पहुँच चुकी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे केस में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले में देखिए 1 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब जो इंक है वो पूरी तरह से फ्लो हो चुकी है, पाइपों के थ्रू कार्ट्रिजेस में जा चुकी है, एंड हमारा प्रिंटर जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है प्रिंट देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इस प्रिंटर में कॉपी करना है, कैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी कर सकते हो, कैसे आप कलर कॉपी कर सकते हो। तो सिंपल है बहुत, अपने पहले तो ये जो इनपुट वाली ट्रे है इसे ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पर दोस्तों आपने पेपर्स डाल देने, एंड इसके बाद दोस्तों आपने आउटपुट वाली ट्रे को ओपन कर लेना है। एंड दोस्तों अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको इस डायरी का कॉपी करके दिखाता हूँ कैसे कॉपी करना है। तो आपने यहाँ पे देखिए ऐसे अपना डॉक्यूमेंट रख देना है जो भी आपने कॉपी करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप ब्लैक बटन प्रेस करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आ जाएगा, एंड अगर आप कलर वाला बटन प्रेस करते हो तो कलर प्रिंट आ जाएगा। एंड यहाँ से दोस्तों प्लस वाले बटन से आप जो नंबर ऑफ कॉपीज है उसको इंक्रीज कर सकते हो, कितनी कॉपीज आपने निकालनी है। तो अभी के लिए यहाँ पे एक है दोस्तों, एक कॉपी निकलेगी, बट अगर आप यहाँ पे प्लस वाले बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ा सकते हो, तो 99 कॉपीज तक आप इसमें निकाल सकते हो एक बारी में। तो दोस्तों चलिए पहले ब्लैक कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लैक वाला बटन प्रेस कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने ब्लैक कॉपी किया था और देखिए ब्लैक कॉपी हो चुका है, और देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक कॉपी हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी आउटपुट मिल जाती है कॉपी करने में। तो चलिए दोस्तों अभी कलर वाले कॉपी भी करके देख लेते हैं। तो अभी कलर प्रिंट दे देते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे कलर कॉपी करा था और देखिए कलर प्रिंट भी आ चुका है, और देखिए काफ़ी अच्छा प्रिंट आया है। यहाँ पे कलर्स काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, एंड क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए भी हमने कलर प्रिंट भी दे दिया है, एंड यहाँ पे देखिए ब्लैक प्रिंट भी दे दिया है। तो दोस्तों ऐसे आप इसमें कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल वाला भी आपको दिखा देता हूँ जो हमने यहाँ पे डायरी रखी थी। तो जैसे आप देखोगे तो देखिए दोस्तों, इस डायरी को हमने कॉपी किया था। तो ये देखिए, ये इसका ब्लैक एंड वाइट कॉपी है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों ये इसका कलर कॉपी है, एंड यहाँ पे अगर आप कलर देखोगे तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम टू सेम कलर देखने को मिल जाते हैं। इन कलर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम कलर कॉपी देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से भी इस प्रिंटर पर प्रिंट दे सकते हो। तो दोस्तों ये ऐप आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है, कैनन प्रिंट करके ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो ये आपको आईफोन के ऐप स्टोर में भी मिल जाएगी। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने अपने स्मार्टफोन का वाईफाई ऑन रखना है, एंड यहाँ पे दोस्तों आपने प्रिंटर में ये वाला बटन प्रेस करना है, नेटवर्क वाला। तो देखिए ये वाला आइकन आ जाएगा आपके प्रिंटर में, एंड इसके बाद दोस्तों आपने ये डायरेक्ट वाला बटन भी प्रेस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों आइकन्स आपके प्रिंटर में आने चाहिए, एंड इसके बाद दोस्तों आपने ऐप को ओपन करना है, एंड आपके ऐप में ये प्रिंटर शो करेगा। तो उसके बाद दोस्तों आप इस प्रिंटर को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है, बट यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए सीरीज डिफरेंट दिखा रहा है। ये दिखा रहा है देखिए G3010, ये 3012 नहीं दिखा रहा है, बट ये शो करता है जब ये वाईफाई के थ्रू आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा। एंड यहाँ पे दोस्तों ऐप के थ्रू देखिए आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो, फोटो प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे आप फोटो को क्रिएट कर सकते हो स्मार्टफोन के थ्रू। देखिए आप यहाँ पे क्रॉप करके भी कॉपी कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एंड यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से दोस्तों देखिए ऐप के थ्रू आप अपने प्रिंटर की सेटिंग भी देख सकते हो, सेटिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ आपको ऐप देखने को मिल जाती है इस प्रिंटर की। देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो स्मार्टफोन है देखिए हमारे प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इससे प्रिंट दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे से मैं एक प्रिंट दे के देखता हूँ, तो चलिए मैं एक प्रिंट दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाले जो फोटोग्राफ है अभी आपने अपने स्मार्टफोन के थ्रू प्रिंट करी थी इस प्रिंटर में, और देखिए इनकी प्रिंट हो चुकी है, और देखिए काफ़ी अच्छा प्रिंट यहाँ पे आ चुका है। देखिए काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आई है, इवन काफ़ी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके भी इस प्रिंटर में से प्रिंट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इस प्रिंटर को कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के साथ।
पीसी के साथ या फिर आप लैपटॉप के साथ कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों पहले आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो आपने ये सीडी यूज़ करनी है जो आपको प्रिंटर के साथ मिलती है। तो इसको दोस्तों आपने इंसर्ट कर देना अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। तो चलिए इसे इंसर्ट कर देते हैं। एंड दोस्तों अब आपने जो इसके ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल कर लेने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में डेस्कटॉप में। और अगर दोस्तों आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सीडी रोम नहीं है, आप सीडी उसमें नहीं डाल सकते हो, तो आप दोस्तों कैनन की वेबसाइट पर जाकर इनके जो ड्राइवर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ऐसे आप कैनन की वेबसाइट पर जाकर इसके जो ड्राइवर्स है वो डाउनलोड कर सकते हो प्रिंटर के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको G3010 सीरीज मिलेगी, G3012 यहाँ पे कोई सीरीज नहीं मिलेगी आपको, बट जो G3010 सीरीज है वही सपोर्ट करता है G3012 को भी। तो अभी हमने ये ड्राइवर्स है वो डाउनलोड यहाँ से कर लेने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए मेरे जो डेस्कटॉप में वाईफाई रिसीवर लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए वाईफाई शो कर रहा है। सेम वीजे अगर लैपटॉप आपके पास है तो लैपटॉप में तो वाईफाई होता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जाना इस आइकन पर, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर है वो शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है G3010 सीरीज यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे इसे तो देखिए कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जस्ट आपने दोस्तों पासवर्ड डाल देना है और आपका जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर के साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए वाईफाई के थ्रू मेरा जो प्रिंटर है वो हमारे कंप्यूटर के साथ देखिए कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए आ रहा है G3010 सीरीज जो है वो कनेक्टेड है। तो दोस्तों अभी वायरलेसली यानी कि वाईफाई के थ्रू डेस्कटॉप कंप्यूटर से अपने प्रिंट दे सकते हो प्रिंटर में, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो ऐसे आप वाईफाई यूज़ करके अपने लैपटॉप से प्रिंट दे सकते हो। आपको वायर के थ्रू USB केबल के थ्रू अपने प्रिंटर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ। तो चलिए दोस्तों अभी प्रिंट दे के देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये दो इमेजेस है, तो हमने ये दो इमेजेस का प्रिंट देना है प्रिंटर में। तो देखिए दोस्तों हमारा कंप्यूटर यहाँ पड़ा हुआ है, एंड जो प्रिंटर है वो अगर आप देखोगे तो देखिए प्रिंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी वायर के थ्रू देखिए प्रिंटर जो है बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है मेरे कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर देखिए यहाँ पर है एंड प्रिंटर देखिए यहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों अभी वाईफाई के थ्रू प्रिंट देके देखते हैं इस प्रिंटर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने प्रिंट की कमांड दे दी है प्रिंटर में, एंड यहाँ पे प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और देखिए प्रिंट हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमारे पास प्रिंट आ चुका है इस फ्लावर का, देख सकते हो आप। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में हमने इस प्रिंटर की अनबॉक्सिंग कर ली है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे आपने इसमें इंक डालनी हो, कैसे आपने इस प्रिंटर को रेडी टू यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आपने इस प्रिंटर को कनेक्ट करना है अपने स्मार्टफोन के साथ, कैसे आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके इस प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, एंड कैसे आपने इस प्रिंटर में कॉपी करना है, डॉक्यूमेंट कॉपी या कलर कॉपी कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड दोस्तों कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो इस प्रिंटर को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ हैंड या फिर लैपटॉप के साथ वाईफाई के थ्रू वायरलेसली, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। एंड दोस्तों ये सारे पॉइंट्स अभी हम वीडियो पे कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस प्रिंटर को परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रिंटर है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड यहाँ पे ओवरऑल प्रिंटर की भी बिल्ड क्वालिटी और लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे फीचर आपको इस प्रिंटर में मिल जाते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस प्रिंटर को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपके दोस्तों कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से वो अपने डाउट्स और क्वेश्चन पूछ सकते हो।